नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है, ये एमई ब्रोकर एंड मेटा ट्रेडर दोनों के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। देखिए, आज को मैं कुछ वीडियो मतलब कुछ चार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें जी लिमिटेड, एशियन पेंट, एसआरएफ, सेल एंड पीवीआर, तो चार पांच स्क्रिप्ट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर का काम होता है बेसिकली, ये मार्केट का बायर्स एंड सेलर्स को फिल्टर करता है और ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करके आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है, जो कहाँ पर मार्केट में आपको बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, टारगेट क्या रखना है, एग्जिट कब करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अब मेन चीज़ होता है प्रेडिक्शन। कॉल तो बहुत सारा बनता है, हर एक सॉफ्टवेयर कॉल देता है, मगर हर एक कॉल अचीव नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, ऐसा मार्केट में बहुत सारा कॉल होता है जो अचीव नहीं होता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए सबसे चैलेंजिंग मैटर होता है, जो कौन सा कॉल में ट्रेड करना है, कौन सा कॉल में ट्रेड नहीं करना है। तो मैं पहले एक दो चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, सबसे पहले आपको जो मेंटेन करना पड़ेगा वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन द सेंस, मार्केट में तो बहुत सारा स्क्रिप्ट रहता है, हर एक स्क्रिप्ट में हम लोग को काम नहीं करना है, सबको अपना हिसाब से एक ग्रुप बना लेना चाहिए। आप अपना ग्रुप में 5, 10, 15, 20 या 25, ज़्यादा भी नहीं, तो कुछ स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और उसका ऊपर हम लोग का सॉफ्टवेयर में स्कैनर सेट रहता है। कहीं पर भी कुछ कॉल बनता है, हम लोग का स्क्रीन के ऊपर इस टाइप का मैसेज बॉक्स आ जाता है विथ साउंड अलर्ट, जहाँ पर लिख के आ जाता है जब कौन सा स्क्रीन में कॉल बना है, उसका वैल्यू क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। आप जब तक ये मैसेज को आप देखेंगे नहीं और इसको क्लोज नहीं करेंगे, तब तक ये जाएगा भी नहीं। जैसे देखिए, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अभी मैसेज बॉक्स चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा हर एक बंदा के लिए, एक ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 स्क्रिप्ट रखिए। प्रॉफिट करने के लिए दिन में एक स्क्रिप्ट ही इनफ होता है। एक्चुअली ट्रेडिंग का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और आपको अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप एक स्क्रिप्ट भी खोल के रख देते हैं और दिन में हर एक स्क्रिप्ट में एक ना एक बार वो अपॉर्चुनिटी बनता है जहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है, आपको उसके लिए वेट करना चाहिए। तो मैं देखिए मेरा सॉफ्टवेयर में जो बेसिक कंसेप्ट है वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जी लिमिटेड का पहले मैं चार्ट लगाया हूँ, बहुत ही सिंपल। ये जो ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग सिग्नल कहते हैं। जब भी कोई सिग्नल बनेगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप चार्ट को खोलेंगे। खोलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, आपको ग्रीन कलर का, सॉरी ब्लू कलर का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें उसका डिटेल्स दिया हुआ है, कौन सा वैल्यू में कॉल दिया, उसका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। अब मुझे देखना है जो वाकई ये जो कॉल बना था आज को दोपहर 2 बजे, क्या एक कॉल सही था। तो क्या क्या पैरामीटर हम लोग इसमें देखेंगे? बाय का कॉल में हम लोग का फर्स्ट जो कंडीशन होता है, नीचे में आपको एक रिबन दिखाई देगा जिसका कलर ग्रीन होना चाहिए, दैट इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, बाय का कॉल का पहले आपको एक छोटा सा ग्रीन स्टार दिखाई देगा, ये हम लोग का सेकेंड कंडीशन होता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ये लाइन इंडिकेटर। देखिए, आपको एक लाइन इंडिकेटर दिखाई दे रहा है जिसका कलर पहले रेड था, उसके बाद ग्रीन होना शुरू कर दिया। तो ग्रीन मतलब यहाँ से आपका बायर्स परिवहन धीरे धीरे बढ़ रहा है, मगर इसका जो मेन फंक्शन है वो है मिडिल का ये व्हाइट लाइन। इस व्हाइट लाइन को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। तो जहाँ से ये ग्रीन लाइन व्हाइट लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाने लगा, मतलब वहीं से आप स्ट्रांगली बाइंग जोन में घुस जा रहे हैं। मतलब ग्रीन होने का मतलब है आपका बायर्स तो बढ़ रहा है, मगर जब ये व्हाइट लाइन को ब्रेक कर दे रहे हैं, मतलब स्ट्रांगली बाइंग जोन में घुस जा रहे हैं। तो जब भी कोई बाय का कॉल बनेगा, आपका फर्स्ट तीन कंडीशन जो मेन है वो है स्टार, नीचे का रिबन का कलर, और ये जो लाइन है वो न्यूट्रल को ब्रेक करना चाहिए। और उसके अलावा भी एक दो चीज़ होता है जो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। वो है एक, देखिए मिडिल में एक येलो लाइन दिखाई देगा, येलो लाइन का ऊपर मार्केट को जाना है। मार्केट मतलब यहाँ पर कैंडल को समझाता है। मिडिल में आपको दो लाइन दिखाई देगा, देखिए जो पहले यहाँ पर पिंक था और इस पॉइंट पे वो क्रॉस ओवर होके ग्रीन हो गया, तो ये भी आपको एक संकेत दे रहा है मार्केट का, जो ऊपर बायर्स का परिमाण है वो स्ट्रांग हो चुका है, मतलब मार्केट में बाइंग ट्रेंड आ चुका है। तो ये एक दो चीज़ होता है आपको ध्यान में रखना चाहिए, मगर मेन चीज़ है ध्यान रखिए स्टार, नीचे का रिबोन, और ये लाइन को न्यूट्रल को ब्रेक करना ही चाहिए। अगर ये तीन चीज़ मैच होता है तभी जाके हम लोग एक कॉल को स्ट्रांग कॉल बोलेंगे, अदर इज नॉट। उसके बाद आपको ट्रेड कब करना है, ऐसा नहीं जो कंडीशन मैच हुआ आप तुरंत ऑर्डर डाल दिए। ऑर्डर डालने का पहले हम लोग को फाइनली एक बार सोच लेना है, क्योंकि ऑर्डर डालने के बाद हम लोग का हाथ में कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो जितना भी मुझे दिमाग लगाना है, कंडीशन लगाना है, थिंकिंग लगाना है, उसका पहले
तो फाइनली हम लोग और एक चीज़ देखते हैं जिसे हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। हम लोग का सॉफ्टवेयर में जब भी कोई सिग्नल बनता है उसका पहले हम लोग का एक कैंडल बनता है जिसका कलर थोड़ा ब्लू टाइप का है, ये वाला। तो आपको देखना है ब्लू कलर का कैंडल का हाई क्या है। जब तक ये वाला कैंडल ब्लू कैंडल का ब्लू कलर का जो कैंडल है उसका हाई को नहीं तोड़ता है तब तक आपको ऑर्डर नहीं डालना चाहिए। इसे हम लोग कैंडल ब्रेकआउट थ्योरी कहते हैं। कैंडल ब्रेकआउट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक कैंडल ब्रेकआउट थ्योरी मैच नहीं होता है तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आपका एंट्री सही होगा देन आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिखेगा। तो मैं एक ही चीज़ सबको बोलता हूँ, एंट्री सही होना चाहिए और एग्जिट सही होना चाहिए। टारगेट नॉट द बिग फैक्टर। अगर आप एंट्री एंड एग्जिट सही से कर लिए उसका अंदर ही आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये जनरली कंसेप्ट है। अब इसका साथ साथ मैं देखिए बाकी सबको भी खोल के दिखाता हूँ। एशियन पेंट, एशियन पेंट में देखिए सेलिंग का कॉल था। सेलिंग में जस्ट ऑपोजिट होगा, नीचे का रिबन का कलर रेड हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। देखिए येलो लगा, नीचे मार्केट आ चुका है। मिडिल का दोनों लाइन देखिए बहुत पहले से पिंक हो चुका है। और यहाँ पर जो मैं जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है हम लोग का एग्जिट। एंट्री का साथ साथ एग्जिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा सॉफ्टवेयर एंट्री तो दे देता है मगर जब वो एग्जिट कराता है तो आपका प्रॉफिट जो होता है नियर अबाउट 50% 40% रिड्यूस हो जाता है। तो देखिए आप सोचिए यहाँ पर सेलिंग की है और आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जिट कब करना है नीचे का इस इंडिकेटर को देखना है, ये वाला लाइन इंडिकेटर। देखिए मार्केट में आप जितना भी इंडिकेटर देखे हैं सबका काम होता है मार्केट ऊपर जाने से ऊपर जाता है, नीचे जाने से नीचे जाता है। मगर हम लोग का ये इंडिकेटर को आप फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पर मार्केट गिर रहा है कंटिन्यूअसली और ये इंडिकेटर कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। देखिए टोटली वाइस वर्सा। और ऐसा एक सिचुएशन में आके वो आपको एग्जिट करा रहा है जहाँ पर बेसिकली मार्केट एक बॉटम लेवल पे ही है। मतलब अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते भी हैं और इस इंडिकेटर के हिसाब से एग्जिट भी करते हैं तो खास मार्केट बहुत ऊपर चला गया नॉट लाइक दैट। आपको एग्जिट करने का जो तरीका है या हम लोग का एग्जिट जो पॉइंट दे रहा है वो काफ़ी जेन्युइन है और आपको एकदम बॉटम में एग्जिट करने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग का ये जो इंडिकेटर है काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे देखिए यहाँ से ये मार्केट का न्यूट्रल को ब्रेक करके नीचे आया था, मतलब यहाँ से सेलिंग ट्रेंड शुरू हो रहा था और एग्जैक्टली यहाँ पर आपका सेलिंग ट्रेंड खत्म करने का ये संकेत दे रहा है। तो हम लोग का एग्जिट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जिट अगर आप सही से कर पाएंगे देन आपको मैक्स मैक्स रिजल्ट मिलेगा प्रॉफिट में। अब मैं देखिए एसआरएफ का एक चार्ट खोलता हूँ। एसआरएफ में मैं एक ही चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे देखिए नीचे का इंडिकेटर का एडवांटेज आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ से ये अप ट्रेंड गया है उसके बाद देखिए बहुत इसका कलर बार बार चेंज हो रहा है मगर ये वाइट लाइन का नीचे एक बार भी नहीं आया था। तो मैं थोड़ा चार्ट को पीछे जा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से आपका बाइंग ट्रेंड शुरू हुआ है। इसका बाद इसका अंदर देखिए यहाँ पर मार्केट इतना ज़्यादा ख़राब था मगर इस टाइप का सिचुएशन चाहे जो भी हो नीचे का इंडिकेटर आपको अगर बता रहा है जो मार्केट वाइड लाइन का ऊपर है मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट फ्लैक्चुएट होगा ही, इतना इजी तो मार्केट होता नहीं है जो आप जहाँ से एंट्री लेंगे वहाँ से स्मूथली जाके हिट करा देगा। मगर आपको अगर आपका ट्रेंड पता है मार्केट का डायरेक्शन पता है आप ऑब्वियसली वेट करेंगे और आपको अल्टीमेट आपका रिजल्ट मिलेगा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मेन इंडिकेशन मैं इस नीचे वाला इंडिकेटर को बताता हूँ जिसमें वाइड लाइन का ऊपर अगर मार्केट चला गया ये लाइन चला गया मतलब आप बाइंग ट्रेंड में ही हैं। आप बाइंग में ही वेट कीजिए आपको रिजल्ट दिखेगा। उसके बाद देखिए मैं सेल का चार्ट खोलता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो बाय का कॉल बना था आज को 1:40 पे तो कॉल बना था, दोनों लाइन का क्रॉसओवर था, नीचे का पट्टी ग्रीन था और उसी टाइम ये न्यूट्रल को भी ब्रेक कर रहा था। मगर इसमें नेगेटिव पॉइंट यही था, देखिए येलो लाइन का ऊपर नहीं गया था, स्टार नहीं था। इस कैंडल में ये स्टार बना और उसका बाद मेरे हिसाब से आपको ट्रेड यहाँ पर पकड़ना था, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो बोलने का मतलब ये है जो कॉल आने का मतलब ऐसा नहीं जो आपको उसी वक्त ट्रेड करना है। कंडीशन इज़ द इम्पोर्टेंट। अब कंडीशन पहले से भी मैच होकर रह सकता है या फिर आपको बाद में भी मैच हो सकता है मगर बिना कंडीशन का मैच हो अगर मैं बिना कंडीशन का आपको ट्रेड नहीं करना है, वेरी सिंपल। अब मैं लास्ट और एक चार्ट खोल के दिखाता हूँ वो है पीवीआर का। पीवीआर में भी मैं देखिए एक ही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पीवीआर में आपको यहाँ पर 1 मिनट, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ढक गया है मगर सुबह को यहाँ पर एक बाय का कॉल दिया था हम लोग का सॉफ्टवेयर ने, जो ग्रीन कलर का एरो है बाय का कॉल है। तो ये बाय का कॉल में जो मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है इसका पहले कोई ग्रीन स्टार नहीं था और उससे भी पहले उसको अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो नीचे का इंडिकेशन देखिए ये न्यूट्रल लाइन का काफ़ी नीचे है, मतलब मार्केट यहाँ पर सेलिंग जोन में है। तो भले ही आपका बाइंग का कॉल बने आपको ट्रेड नहीं करना है। तो पीवीआर देखिए पहले मॉर्निंग में टोटली फ्लैट था
और इस पोजीशन में देखिए स्टार बना था आपका 2 बजे और एग्जैक्टली उसी पॉइंट में ये न्यूट्रल लाइन को ब्रेक कर रहा था। तो ये दोनों इंडिकेशन आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब सुबह से 9:30 बजे से कॉल दे के बैठा है, मगर एक्चुअल ट्रेडिंग मतलब एक्चुअल अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रहा है मार्केट में वो है 2 बजे का बाद, जहाँ पर स्टार और ये लाइन न्यूट्रल को ब्रेक कर रहा है। जिस टाइम ये लाइन न्यूट्रल को ब्रेक करता है वो सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है, और उसी टाइम अगर आपको कोई अच्छा एंट्री मिल जाए तो आपको उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये लाइन न्यूट्रल से जितना दूर धीरे धीरे जाते रहेगा, मतलब मार्केट उतना ही ओवरबॉट में पहुँच जा रहा है, तो आपको उतना स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। सोचिए ये लाइन बहुत ऊपर हो गया और उसके बाद आपको कोई बाय का कॉल मिल रहा है, तो आपको उसमें उतना फोकस नहीं करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो मार्केट है यहाँ पर कोई फिक्स थ्योरी तो है नहीं, मगर आपको बहुत सारा नॉलेज आपको रखना पड़ेगा या बहुत सारा कंसेप्ट को आपको समझ के फॉलो करना पड़ेगा मार्केट को। तो मेन चीज़ होता है लॉजिक, अगर आपका लॉजिक सही है देन आप इजीली इस मार्केट में फाइट कर सकते हैं। डेली प्रॉफिट आएगा ऐसा कंसेप्ट मत रखिए, मेरा हिसाब से प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस को बचाना है, इसमें ज़्यादा ध्यान देखना है। ट्रेंडी मार्केट में तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ख़राब मार्केट में अगर मैं लॉस को बचा लूँगा मेरा, या फिर मैं मेरा पॉइंटेशन को सही रख पाता हूँ, तो क्या होगा मेरा लॉस का जो पॉइंटेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा और मैं मैक्स टू मैक्स गेन कर सकता हूँ। तो यही पॉइंटेशन है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर मेरा चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इस तरीके का कंटिन्यूअसली वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है और मुझसे कांटेक्ट करना है, तो वीडियो के नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको वहाँ पर मेरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।